नमस्कार किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज मैं बताने वाला हूँ झूला सेटिंग के बारे में। तो झूला को कैसे स्पीड बढ़ाए अपने हिसाब से, वो सारा चीज़ मैं आज का वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले ये वाला जो कैप है आपको इसको खोलना है। तो इसमें लगेगा 24 नंबर का जो पना है ये लगेगा आपको। ये वाला बोल्ट पहले खोल लेना है। ये आपको खोलना है। फिर आपको यहाँ पास एक नट मिलेगा 32 नंबर का, उसको भी आपको खोलना है ऐसे। फिर आपको कितना सेटिंग करना है, आपको झूला की स्पीड कितना रखना है, वो सब चीज़ आपको देखना है। अगर आपको मीडियम साइज में रखना है तीन, क्योंकि थ्रेसर पे तीन होल रहता है, जो जाली रहता है उसमें तीन होल रहता है। सबसे फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा स्पीड रहता है, सेकंड मीडियम, लास्ट में सबसे कम होता है। अगर आपको मीडियम रेंज में रखना है अपना स्पीड झूला का, तो आपको ये जो बोल्ट है आपको बीचों बीच रखना है। इससे आपका थ्रेसर का जो चलने का स्पीड है वो मीडियम साइज का हो जाएगा। उसको आपको ठीक से लगा के आपको इसको टाइट कर देना है यही जगह। तो ये है आपका मीडियम रेंज का जो झूला का स्पीड है वो आपका मीडियम रहेगा। अगर आपको हाई करना है तो ये वाला जो बोल्ट है आपको इस सामने डालना है, और ये जो झूला का जो बोल्ट है आपको ये सबसे लास्ट में डाल देना है। इससे होगा क्या कि इसका जो झूला का जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये झूला का सबसे हाई स्पीड है, आपको यहाँ सामने लगाना है और इसको सबसे लास्ट में फिर टाइट कर देना है बोल्ट को। तो इससे होगा क्या कि ये सबसे ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। तो आपको हाई स्पीड नहीं रखना है, आपको मीडियम में रखना है। तो आपको थोड़ा से जो लास्ट है उससे थोड़ा बीच पे ला लेना है, उसके बाद उसको टाइट कर देना है ऐसे। इससे होगा क्या कि ये जो आपका चन्नी है वो मीडियम झूला में, मतलब मीडियम स्पीड में चलेगा। किसान भाइयों, अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगा होगा तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।